वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। या कल मैंने एक वर्क दिया था आप लोगों को और उनमें से काफी लोगों ने अच्छा काम किया है। आप लोगों में से कौन कौन है जिन्होंने सेंड कर दिया है? मैंने व्हाट इज मैंने? यार मैंने का नाम क्या है? नशरा का आ गया। ठीक है, वेरी गुड। और किसने किसने कंप्लीट किया? सर मैंने भेज दिया। ओके, आई हैड सीन अराउंड 80 मैसेजेस इन माय सेल फोन, तो जिनमें से आधे तो मनन सर के थे जिन्होंने वीडियो लेक्चर शेयर किए हैं। ठीक है, और बाकी के मैंने देखे स्टूडेंट ने काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है, सडनली एनसीईआरटी पूरा स्कैन कर दिया बैठ के, है ना? कितना टाइम लगा करने के लिए। चलो अच्छी बात है। मैंने जिन्होंने सेंड किया है आधे लोगों को, उनमें से मैंने फर्दर प्रोजेक्ट दे दिया है कि क्या करना है आगे के लिए, और जिनको नहीं मिला है मैसेज अभी आज हो जाएगा आफ्टर लेक्चर, दे विल बी गेटिंग द सेकेंड प्रोजेक्ट, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट ऑल्सो। और खाली लिस्ट बना के मुझे सेंड मत किया करो, आप लोगों को वो पढ़ना है, गो थ्रू करना है, ठीक है ना? और जैसे आप हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों को कितना मजा आएगा उसका खाली ध्यान रखना। ओके, यू विल बी एंजॉइंग दोस थिंग, क्योंकि आपने जो लिस्ट फिल्टर आउट की है उसी में से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैक्सिमम साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन, ईयर बेस्ड क्वेश्चन उसी लिस्ट में से आपको मिल जाएंगे। ओके, और पर्टिकुलर वो साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया था, इवन दोस यू हैड रिटन वेरी नाइसली, तो कर लेना, ठीक है? अच्छी तरीके से याद भी करो उसको। वेरी इंप्रेसिव वर्क, कीप डूइंग लाइक दिस ओनली। ओके, देर विल बी एन इम्प्रूवमेंट, डोंट वरी। सो वी हैड स्टार्टेड विद अवर चैप्टर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, है ना, इन द ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक चल रहा है, वेयर वी हैड गोइंग टू कम्प्लीट दिस इन टूडेज लेक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, ऑनलाइन पे हम लोग थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, बट ऑफलाइन वी आर मोर प्रोसीड अहेड, तो ये कोई बात नहीं, दिस इज द काइंड ऑफ रिविजन लेक्चर यू कंसिडर। और देखो आप लोगों को क्या क्या चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आती है। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस स्पर्मेटोजेनेसिस। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड दिस मेल डिसऑर्डर्स, राइट? सभी को पता होगा मेल डिसऑर्डर्स, हाइड्रोसिल तक हम लोगों ने इसको खत्म किया था। देयर इज एनी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द मेल डिसऑर्डर्स? नो सर। नो ना? ओके, चलो आई थिंक दैट इमेज इज ऑल्सो वेरी क्लियर, दोस आइडिया इज ऑल्सो देयर, है ना? इमेजेस से एक अच्छी खासी आइडिया भी आपको मिल जाती है। लेट्स मूव अहेड। So our today's topic is gametogenesis in males. Okay, तो ये आज के लेक्चर में कम्प्लीट मेल का जो सिनारियो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, सो गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स, सो सी ये तो पता चली गया होगा, द प्रोसेस बाय विच द मेल सेक्स सेल्स और गैमेट्स आर फॉर्म्ड। ओके, दैट इज द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड ओवर हियर। ओके, एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर, सी द मेल गैमेट कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोजोम। आई होप ये तुम लोगों को क्लियर होगा। Yes or no? Males के क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एक्स एंड वाई, है ना? दिस इज अवर 23rd क्रोमोसोम कहते हैं ना हम लोग इसको, पता है कि नहीं पता है? 23rd क्रोमोसोम, क्योंकि 1 से लेकर 22nd तक जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, टोटल 22 इन नंबर, दोज आर ऑटोसोम्स, है कि नहीं? सो दोज आर ऑटोसोम्स एंड दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मेल का जो स्पर्म रहेगा, आइदर इट कैन बी एन एक्स क्रोमोसोम और आइदर इट कैन बी अ वाई क्रोमोसोम। अंडरस्टूड? चलो, सो ही हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पर्म्स, वन इज द एक्स क्रोमोसोम, अदर इज द अलोंग विद द वाई क्रोमोसोम। चलो बढ़ते हैं आगे। मियोसिस फॉर्म्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे मियोसिस को ज्यादा प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि हमारे जो स्पर्म्स बन रहे हैं दैट इज अ हैप्लॉइड इन नेचर। ओके, माइटोसिस होता है, ऐसा नहीं है कि माइटोसिस नहीं होता, लेकिन प्रायोरिटी मियोसिस लेके जाता है, क्योंकि उसको गैमेट फॉर्मेशन करने हैं। ओके, एंड गैमेट्स आर द हैप्लॉइड इन नेचर, ये आपको ध्यान में रखना है, हैविंग हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। सो गैमेटोजेनेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स इज टर्म्ड एज अ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो ये ऐसे जो ग्रीन कलर में हाइलाइटेड टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चंस बना के देंगे, याद रखना। ओके, सो गैमेटोजेनेसिस नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, प्रोसेस को ही कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा और दो टर्मिनोलॉजी भी आपको मिलने वाला है आज के लेक्चर में।
लेट्स सी द नंबर ऑफ फेजेस. याद रखना थ्री फेजेस में खत्म होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्यूरेशन फेज. ओके वी आर प्रोसीडिंग अहेड विद रिस्पेक्ट टू द स्पर्मेटोजेनेसिस नाउ. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, नो डाउट. इट ऑकर्स इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस. याद है, इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल, नॉट आउटसाइड, क्योंकि जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स बाहर के सराउंडिंग सेल्स होते हैं, है ना, जिनको कन्वर्ट होना है स्पर्मेटोगोनिया में. ओके स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होना है, ये हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे. इट इज अ डिप्लॉइड इन नेचर, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉइड इन नेचर. ये डिप्लॉइडी लेवल मतलब पकड़ के चलना ही है, काम करना ही है. जब भी आप गैमेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस जैसे प्रोसेस पढ़ते हो, प्लॉइडी पकड़ के चलना. ओके मतलब कौन सा सेल डिप्लॉइड है, कौन सा सेल हैप्लॉइड है, ये आपको समझ के रखना है. ओके प्लॉइडी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ सेट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल. ओके वेदर इट इज अ हैप्लॉइड सेट, वेदर इट इज अ डिप्लॉइड सेट. ओके सेट यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन दैट इंडिविजुअल. चलो बढ़ते हैं आगे. द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर एक्चुअली लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम. इन्हीं का स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूबॉइडल सेल्स. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट पे रखा है, बट ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता देता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें भी हम लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा था, लाइक फ्लैट सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, ओके मल्टीपल लेयर सेल्स, स्ट्रेटिफाइड सेल्स, सीलिएटेड कॉलमनर, उसके बाद विलाई प्रेजेंट होना, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की है. तो उनमें से ही एक कैटेगरी आपके स्क्रीन पे है कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो है ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर. इनको दूसरा नाम भी है जो आपको शायद नहीं पता होगा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं. इन शॉर्ट इसको शॉर्टकट में PGC भी कहते हैं. याद कर लो, प्राइमोर्डियल जर्म सेल. जर्म सेल यानी वही आगे जाके गैमेट्स फॉर्म करना. ओके प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स PGS, इसका फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी दे दिया गया है. ओके एक्चुअली PGC है, वो बहुत सारे रहते हैं इसलिए PGCs ऐसे कहते हैं. चलो बढ़ते हैं आगे. एंड कंटेंस द सर्टेन टॉल सोमैटिक सेल्स. कैसे सेल्स है, सोमैटिक सेल्स है. क्या वर्ड यूज किया है, सोमैटिक. इससे क्या साबित होता है, डिप्लॉयड नेचर. सही बात है कि नहीं, कॉल्ड एज अ सर्टोली सेल्स. दूसरा नाम भी दे दिया है नर्स. मैंने और भी नाम दिए थे, कोई बता सकता है. सर्टोली सेल्स आल्सो कॉल्ड एज अ नर्स सेल. इसके अलावा मैंने और भी आपको टर्मिनोलॉजीज दी है, एनी आइडिया. पिरामिडल शेप, और कुछ, इलोंगेटेड कोन शेप सेल. ये सारे टर्मिनोलॉजी याद करोगे, क्वेश्चन डील करोगे, तभी ये सारे टर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं. एक और बहुत स्पेशल टर्म दिया है, देखो याद कुछ आ रहा है क्या, कुछ याद आया? Yes, sir. सस्टेंटेक्युलर सेल्स. ये आपको नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पर्म्स के रिस्पेक्ट में ही रहता है, सर्टुली सेल के रिस्पेक्ट में रहेगा, याद रखना है कंपलसरी. ओके स्पर्म्स नहीं, एक्चुअली सर्टुली सेल ही कहो, नरिशिंग सेल्स के दूसरे टर्मिनोलॉजीज है. ओके स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ. पहले स्पर्मेटिड्स और इसी का डिफरेंशिएशन कहते हैं स्पर्मेटोजोआ. ओके फर्क कितना ही है, अगर ये राउंडेड स्ट्रक्चर है तो इनमें टेल आपको देखने को मिलेगी स्पर्मेटोजोआ में. ठीक है, सो नाउ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स. तो अभी सबसे पहला स्पर्मेटिड बनते कैसे हैं ये देख लेते हैं. तो देखो मल्टीप्लीकेशन फेज आ गया. ओके तो जर्मिनल एपिथेलियल आ जाना चाहिए और ये डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू, क्योंकि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो भी डिप्लॉयड इन नेचर है. ओके एज ऑलरेडी रिटन ओवर हियर ऑन द स्क्रीन, देखो टॉप पे लिखा हुआ है. तो माइटोसिस ही करना पड़ेगा तब जाके डिप्लॉयड सेल्स बनेंगे. प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे भी मैंने रखा है डिप्लॉयड इन नेचर. ओके तो नाउ आपको पता है ये टाइप ए सेल एंड टाइप बी सेल फॉर्म करते हैं. डू यू नो दिस थिंग और डोंट नो? पता है ना, टाइप ए टाइप बी. और टाइप ए को यहाँ पे देखो एक टर्म दिया है स्टेम सेल्स. व्हाट इज द स्टेम सेल्स, आप लोगों ने ये बोन में भी पढ़ा है. ओके बोन्स में पढ़ते हो, एम्बिलिकल कॉर्ड में भी आपको देखने को मिलेंगे स्टेम सेल्स. व्हाट आर दे डूइंग, हाँ एक्चुअली एक माइटोसिस करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं, नए सेल्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं. आपको बता देता हूँ स्टेम सेल्स ये जो इतनी स्पेशल्स होते हैं, जैसे कि अगर ये बोन में प्रेजेंट होंगे तो ये बोन सेल्स बनाने का काम करते हैं, ये लिवर पे प्रेजेंट होंगे तो ये लिवर सेल्स बनाने का काम करते हैं. ओके काफी ज्यादा रिसर्च भी इनके ऊपर हो रहा है, ध्यान रखना. ओके
मेडिकल फील्ड में इनके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च ऑलरेडी हो रहा है और काफी ज्यादा चीजें पता भी चल चुकी है. दे हैव द एबिलिटी टू फंक्शन एज जहाँ पे भी इसको इंट्रोड्यूस करेंगे उस एरिया का सेल बन के ये काम कर सकते हैं. ओके वो एबिलिटी इनके पास होती है. तो फिलहाल यहाँ पे ये बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियास ऐड करने का काम करते हैं. दे कीप ऑन डूइंग माइटोटिक डिविजन्स ओके विच डिवाइड्स टू फॉर्म द एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया. चलो बढ़ते हैं आगे. और इसी के अलावा जो टाइप बी सेल जो होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दीज आर स्पर्मेटोगोनिया ओनली. टाइप ए सेल टाइप बी सेल में डिफरेंशिएशन इतना ही है, एक माइटोसिस करते रहेगा तो दूसरा स्पर्म बनाने के लिए आगे प्रोसेस करेगा, जिसको प्रिकर्सर ऑफ द स्पर्म्स भी कहते हैं. उसको मियोसिस करना है आगे जाके. ओके एक माइटोसिस तो दूसरा मियोसिस कर रहा है. सो लेट्स सी ग्रोथ फेज. टाइप बी सेल्स अंडरगोइंग ग्रोथ फेज. ओके स्पर्मेटोगोनियम एक्टिवली ग्रो टू अ लार्जर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ओके क्या नाम दे दिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब एक बात बताता हूं, हैप्लॉइड एक ही डिप्लॉइड है, देखो ग्रो कर रहा है. हैप्लॉइड एक ही डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड ही है, खाली ग्रो ही तो हुआ है कि नहीं, उसमें कुछ डिविजन नहीं हुआ है. इट इज जस्ट ग्रोइंग इन साइज. ओके साइज में गेन करना मतलब क्या, उसके अंदर बहुत सारी डिविजन्स होना, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन होना, प्रोटीन सिंथेसिस होना, ओके हिस्टोन्स बनना बहुत सारे, क्योंकि जरूरत पड़ेगी क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन में. एंजाइम्स बनेंगे बहुत सारे, ओके एंजाइम्स की जरूरत डीएनए रेप्लिकेशन करने में भी होगी. ओके ये सारी बातें ध्यान में रखना है आप लोगों को. आप लोगों ने सेल साइकिल सेल डिविजन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना. तो इंटरफेस वाली टाइप ऑफ एक्टिविटी करनी है तो इन लोग को सबसे पहला प्रिपेयर होना पड़ेगा. ओके तो ये लोग प्रिपेयर करते हैं G1 S फेस G2 फेस, उसके बाद मेटाफेस, ये सारी बातें आएगी. ओके मतलब प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टीलोफेस, इस तरीके से डिवीजन आगे बढ़ेगा. ओके वो सारी बातें तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वरना लेक्चर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा अगर मैं हर एक चीज को सीक्वेंस में लिखते जाऊँ. ओके तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, जस्ट मैच्योर हो रहा है बाय ऑब्टेनिंग ए नरिशमेंट. देखो नरिशमेंट फ्रॉम द नर्सिंग सेल्स, तो नर्सिंग सेल्स वैसे भी यहाँ पे इनको मदद कर रहे हैं नरिशमेंट देने का. उन वो पूरे सेल में जो सेमिनिफेरस टिप्यूल्स है उसमें एक ही नर्सिंग सेल है, दैट इज अ सर्टोली सेल्स. ओके नाउ मैच्योरेशन फेज. अब ये तो हो गया, तो अब ये मैच्योर है बंदा ऑलरेडी. इट विल अंडरगो टू सक्सेसिव डिविजन्स. टू सक्सेसिव डिविजन्स मतलब क्या बता सकते हो, सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर, रिडक्शनल. और दूसरा क्या लिखा है देखो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मैच्योरेशन डिविजन. ओके विच इज एन ऑर्डिनरी टू द माइटोटिक डिविजन. इसका मतलब क्या है, विच इज एन ऑर्डिनरी माइटोटिक डिविजन. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस. अच्छा क्या इस पहले वाले को रिडक्शनल डिवीजन को मैं ऐसे लिखूं, तो कोई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और ये ऑर्डिनरी माइटोटिक डिवीजन जो यहाँ पे लिखा है, क्या मैं उसको ऐसे लिखूं, क्या दिक्कत है. ये डिप्लॉइड सेल है, मियोसिस वन करेगा, हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, यस और नो, रिडक्शनल डिवीजन. और ये इक्वेशनल डिवीजन है, यस और नो, N. So equational division yani kya? It is almost equal to the mitotic division only. Are you understanding? Kyunki jo parent hote hai usi ke jaise offsprings banna, it's a mitotic division. Hai ki nahi? To yahan pe isliye isko aise bola gaya hai, which is an ordinary mitotic division. But actual mein hai kya ye tumko pata? It is a meiosis too. Theek hai? Chalo, badhte hai aage. Now focus maturation phase. So each primary spermatocytes undergo two successive divisions called maturation divisions. First maturation division is a reductional or meiotic division. Hence the primary spermatocytes divide into two haploid daughter cells called as a secondary spermatocytes. यहाँ पे bracket में क्या लिखना चाहिए, haploid, right? Okay. बढ़ते हैं आगे. The secondary spermatocytes undergo second maturation division, which is an ordinary mitotic division to form the four haploid spermatids. यहाँ पे haploid word already present है, okay? Four haploid spermatids. That's it. Any doubts over here? Easy है, clear हो गया? Yes sir. चलो बढ़ते हैं आगे. Spermatids बन गए, तो अब इनके साथ क्या होगा? वो समझते हैं फटाफट.
एनसीईआरटी का डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जस्ट कीप रेफरिंग दैट, ओके, राइटिंग के लिए वो प्रैक्टिस करते रहना, खाली टाइप ए टाइप बी सेल तक हमको समझना होता है, बाकी सारी बातें एनसीईआरटी में दी गई है. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, फ्रॉम द स्पर्मेटिड इट्स कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. ये आपका नीट का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया. ओके, ये हो गया नीट का क्वेश्चन. The transformation of the spermatids into spermatozoa is called as a spermiogenesis, या फिर एक और वर्ड है spermatiliosis. ओके, एक और टर्मिनोलॉजी है, एक्सेप्शनल है, याद करना है कर लीजिए, नहीं करना है then also it is fine. ओके, नो प्रॉब्लम. स्पर्मियोजेनेसिस वर्ड आपको कंपल्सरी ध्यान में रखना है. ओके, चलो पढ़ते हैं आगे. तो स्पर्मेटोजोआ आर लेटर और नोन एज स्पर्म्स. ये तो हम लोगों ने क्लास में भी लिखा था, लाइक स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स के बाजू में लिख दीजिए, ऐसे करके आप लोगों को बोला गया था, तो आप लोगों ने लिखा भी था. ओके, फोर स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन स्पर्मेटोगोनियम. ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. एक जमाने में, लाइक पहले, अभी नहीं होता, एसर्शन रीजन्स आया करते थे. पता है एसर्शन रीजन्स हमारे मॉड्यूल्स में है, हम लोग जब क्लास में क्वेश्चन डिस्कस वगैरह करेंगे तभी देखेंगे इन सारे बातों के बारे में. एसर्शन रीजन्स, एक पर्टिकुलर एसर्शन दिया रहता है और बी स्टेटमेंट जो होता है वो पहले वाले का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और करेक्ट फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया रहना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब सपोर्ट करना चाहिए सेकंड स्टेटमेंट. लेकिन ये जो ऐसे स्टेटमेंट है ना, जो यहाँ पे हाईलाइटेड किया है, फोर स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वन स्पर्मेटोगोनियम एंड ऑल. ओके, ये सारी बातें इस तरीके से रिप्रेजेंट की रहती है कि आपको सेलेक्ट करना होता है कि एसर्शन राइट है कि स्टेटमेंट भी राइट है जो रीजन मेंशन किया है, या एसर्शन राइट है रीजन फॉल है, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है. इस तरीके से भी आपको उसको डील करना रहता था. अभी नहीं है, बट प्रैक्टिस के समय में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ज्यादा फर्क है नहीं, यही सारे स्टेटमेंट्स बनते हैं क्वेश्चन में, कुछ इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आने वाले. ओके, आप जो पढ़ रहे हो उसी से क्वेश्चंस बनेंगे. After spermiogenesis, sperms had become embedded in the Sertoli cells. If suppose these are the Sertoli cells, तो sperms का जो head portion है वो Sertoli cells के अंदर embedded होते हैं. Okay, so that they will be keep absorbing the nutrients. मैं बताऊंगा, एक photograph है अपने पास, and finally released from the seminiferous tubules by the process called as a spermiation. Spermiation. समझ में आया? एक है स्पर्मियोजेनेसिस और दूसरा है अभी स्पर्मिएशन. सर्टोली सेल से हट जाना, देखो एक वहां पे जुड़ा हुआ है, अब सर्टोली सेल से हट गया है ये वाला स्पर्म, इसको स्पर्मिएशन बोलेंगे और ये बाद में आगे ट्रेवल करने लगेगा. मुझे बताओ, जब यहाँ से स्पर्म्स निकलते हैं, ओके, और वो यूरेथ्रा में चले जाते हैं, मतलब यहाँ से पहले उनको एपिडिडाइमिस में जाना पड़ेगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, स्टोर होने के लिए. yes, वेरी गुड. एपिडिडाइमिस से होते हुए इनको आगे जाना है, वास्ट डिफरेंस वगैरह क्रॉस करके फिर इजैकुलेटरी डक्ट में आके यूरेथ्रा में आना है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो यूरेथ्रा में जो स्पर्म्स आते हैं, इनके लिए भी मैंने एक टर्म दिया था, किसको याद है? स्पर्म्स एंटर इनटू द यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज अ एमिशन. वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज एमिशन. बहुत बढ़िया यार, एमिशंस. और इजैकुलेशन तो तुमको पता है, राइट? डायरेक्टली स्पर्म्स विल बी टेकन, मींस सेंड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ ejaculation process. चलो, very nice, बहुत बढ़िया. पढ़ते हैं आगे. तो ये diagrams देख लो और दूसरा वाला भी diagram देखो. दोनों diagram में एक ही, दूसरा diagram रहने के पीछे एक ही कारण है कि वो Sertoli cells में, देखो how the sperms had been embedded. समझ में आ रहा है? हम लोग जो Sertoli cells बनाते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क होता है. कैसे बनाते हैं? ड्रॉइंग में ऐसे बनाते हैं, am I right? और यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, लेकिन जब यही सेल आगे जाके डिफरेंशिएट होते हैं तो सर्टोली सेल्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, कैसे दिख रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. देखो, ये हो गया सर्टोली सेल जो अंदर है और ये उसका न्यूक्लियस है कि नहीं? देखो स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है. और इसी के यहाँ से अगर आप देखोगे, स्पर्म हेड हैज बीन एम्बेडेड, तो लग रहा है ना एम्बेड हुआ करके अंदर. सिमिलरली हम लोग ऑलरेडी इसी तरीके से ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे. इम्प्लांटेशन प्रोसेस ऐसा ही कुछ है. ओके, जो एग है, जो मॉरुला जो है, एक्चुअली जब यूटरस में आता है उसका एंडोमेट्रियम के साथ कैसे इम्प्लांटेशन होता है, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन के मैटरनल टिश्यू एंड दिस मॉरुला का जो ऐसा जो विलाइस बनते हैं, ये सारी चीजें ऐसे आपस में एम्बेडेड हो जाती है और तब लॉक बन जाता है.
ओके दैट इज व्हाट एक्चुअली द इम्प्लांटेशन प्रोसीजर कुछ ऐसे ही दिखेगा. ओके हम लोग बात करेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे भी आपको देखने मिल रहा है. ये डायग्राम खाली यही बताना है कि ये नरिशमेंट का काम चल रहा है और ये जो डायग्राम है इसको ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में प्रिंट कर देंगे, लेबलिंग पूछे जाएंगे या फिर कोई भी स्टेज उठा के पूछा जा सकता है कि कौन हैप्लॉयड है कौन डिप्लॉयड है करके. ओके या फिर ऐसे पूछेगा कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट फेज का प्रोडक्ट क्या था करके. ओके ऐसे भी पूछा जा सकता है. जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया है. इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा क्या पढ़ा इसके पहले आप लोगों ने टाइप ए टाइप बी सेल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? माइटोटिक डिवीजन हो रहा था पहले वाले में भी. ओके टाइप ए सेल टाइप बी सेल. तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या है? ये बी सेल है, ये टाइप बी सेल है विच इज अंडरगोइंग अगेन माइटोटिक डिवीजन टू गिव राइज़ टू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये मियोसिस करेगा लेकिन ये डायरेक्टली मियोसिस करेगा क्या? ये थोड़ा सा ग्रो करेगा मैच्योर हो जाएगा और उसके बाद मियोसिस करेगा है कि नहीं? और उसी का प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ओके then meiosis to spermatids and then sperm ke tail formation middle body and matlab middle piece and tail formation and all those things will be start appearing. any problem in spermatogenesis? ab to mujhe lagta hai ekdam theory likh ke aa jaoge pura agar question aa jate to yahan se hai ki nahi? yes okay chalo badhte hain aage. spermatozoon okay kya likha hai? spermatozoon spermatozoa likhta to bhi sahi hota. ओके एंड स्पर्म्स इसको अभी हम डिस्क्राइब करेंगे. चलो फटाफट देख लेते हैं क्विक. दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल स्ट्रक्चर्स बट ऑब्वियसली ये मोटाइल होंगे क्योंकि इनके पास टेल प्रेजेंट है. ओके और माइक्रोस्कोपिक है नेकेड आई से आप देख नहीं सकते. स्पर्म्स रिमेन्स अलाइव ये इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान में रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रिमेन अलाइव एंड रिटेन देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम. यहाँ पे एक और टर्म है एबिलिटी टू फर्टिलाइज ओवम. ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है अलाइव रहना और एबिलिटी भी रहना साथ में. ओके ऑफ एन ओवम एग को फर्टिलाइज जो करना है ये 24 घंटे से 48 आवर्स तक ये आपके नोटबुक में भी मैंने क्लासरूम में लिखवा दिया है. ओके आई होप सब लोग ने लिखा था. ओके 48 आवर्स आफ्टर हैव बीन रिलीज इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. कोई डाउट इसमें? नो सर. ओके अच्छा स्पर्मेटोजेनेसिस कितने घंटे में खत्म होता है ये भी मैंने कुछ लिखवा के दिया था. yes, कितना टाइम है? हाउ मेनी आवर्स? 73 कुछ याद आया? 74 डेज लिखा था सर. अच्छा हाँ सॉरी 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 74 डेज लिखवाया था करेक्ट. 73 भी गलत नहीं है वैसे 73-74 ये रेशियो है ही आपको देखने को मिलेगा. 74 डेज वेरी गुड इट्स नॉट एन आवर्स. आवर्स तो बोलेंगे तो ये 3 दिन का समय हो जाएगा ना. कितना हो जाता है 3 दिन का? 24 48 + 24 करो 72 आवर्स हो जाता है ना. ऑलमोस्ट 3 दिन हो जाएगा राइट. चलो बढ़ते हैं आगे. तो ये 3 दिन छोड़ो साइड में और ये 74 डेज दिमाग में रखो. ये 74 डेज पूरा एबिलिटी गेन करना और उसके बाद जब ये रिलीज होते हैं ओके तब के 2 दिन. ओके 24 प्लस या फिर दूसरा दिन प्लस 24 48 आवर्स तक इनको सरवाइव कर सकते हैं. एबिलिटी रहती है इनको एक के फर्टिलाइज करने की. ठीक है एक सेकंड. 74 आवर्स आएगा ना? 74 आवर्स नहीं 74 डेज. क्या लिखा है आपने? डेज ही लिखा है. डेज लिखा है. ओके 74 डेज में खत्म होगा. ओके 74 डेज में एंड होगा मतलब एक्चुअली यहाँ पे पूरा स्पर्म डेवलप्ड हो चुका है. स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी तरीके से कंप्लीटेड है. ओके और ये जब वेजाइनल ट्रैक्ट में रिलीज कर दिए जाएंगे तब ये 48 आवर्स तक सरवाइव कर सकते हैं. और इतना ही नहीं ये एबिलिटी भी रखते हैं एग को फर्टिलाइज करने की. ये रहा उसका प्रूफ यहाँ पे स्टेटमेंट. अभी क्लियर है? यस सर. चलो बहुत बढ़िया बढ़ते हैं आगे. अ टिपिकल मैमलियन स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड नेक मिडिल पीस एंड द टेल. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अभी देख लो फटाफट सारी बातों को देख लेते हैं. हेड इट कंटेन्स द एंटीरियर स्मॉल एक्रोसोम. ये इतना सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और फिर उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है.
हेड रीजन के दो पॉइंट होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, देख लो। जैसे कि आप लोग क्लेमेडोमोनस दिमाग में लेके आओ, क्लेमेडोमोनस, तो अगर मैं यहाँ पे फ्लैजेला बनाऊ तो वो क्या हो जाएगा, एंटीरियर साइड, आर यू अंडरस्टैंडिंग, और ये अपोजिट हो जाएगा पोस्टीरियर साइड, क्लियर है। लेकिन हम लोग क्लेमेडोमोनस तो नहीं पढ़ रहे। अच्छा, क्लेमेडोमोनस नाम आ ही गया है, तो ये यूनिसेलुलर एल्गे है, यूनिसेलुलर मोटाइल है कि यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल है? मोटाइल, यूनिसेलुलर मोटाइल है ना ये सारी बात है। चलो बहुत बढ़िया, किस में पढ़ते हो, क्लोरोफाइसी में पढ़ते हो? यस सर। वेरी गुड। तो अभी ये रहा हेड रीजन, ठीक है, इसके अंदर का जो ऊपर का रीजन है, दिस रीजन, ओके, दिस इज एंटीरियर, एंड उसके नीचे बड़ा सा रीजन, दैट इज अ न्यूक्लियस। सो दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज एक्रोसोम, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, एंटीरियर पोस्टीरियर, ओके, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। और याद रहेगा एक और पॉइंट लिखवाया था, एक्रोसोम विच इज कंसिस्ट ऑफ वन मोर एंजाइम, हाइला यूरिनोडेस एंजाइम, विच इज अ प्रोटियोलाइटिक इन एंजाइम नेचर। एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटियोलाइटिक, चलो जल्दी से बताओ। प्रोटीन कंटेंट क्या होता है, वो प्रोटीन इन नेचर, ध्यान रखना। प्रोटियोलाइटिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रोटीन वर्ड यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज रहने का नहीं, ओके, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से ये। और दूसरी बात ध्यान रखो, ये एंजाइम बनाया किसने, तो गॉल्गी बॉडीज ने बनाया, किसने बनाया, गॉल्गी बॉडीज, हाँ गॉल्गी बॉडीज का सिक्रीशन है। एक्चुअली क्या हो जाता है, गॉल्गी बॉडी डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से कि एक बहुत बड़ा सेल में कन्वर्ट हो जाता है, एक छोटे सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से समझो। जो बड़ा वाला है दैट इज ओनली गोइंग टू फॉर्म दिस हाइला यूरिनोडेस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, यानी वही है एक्चुअल में एक्रोसोम, ओके। और ये जो नीचे है, ये छोटी बॉडी, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ओके, क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट, ये ध्यान में रखना, ओके। जब हम लोग ओजेनेसिस खत्म करेंगे, ओके, पढ़ के पूरा, उसके बाद में आप लोगों को कुछ चेंजेस चेंजेस के बारे में बताऊंगा। चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द स्पर्म फॉर्मेशन, ओके, एंड चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एग। ये दो ऐसे चेंजेस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, अभी नहीं टाइम है उसको आने के लिए, ओके, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि वो चेंजेस पढ़ना जरूरी है। उसी में हम लोग ये एक्चुअली गॉल्गी बॉडी के बारे में भी बात करते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको लेके बात करेंगे, ओके, और वो क्वेश्चंस बना के देते हैं। तो ये चैप्टर बहुत एक्चुअली ईजी है, लेकिन बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी से वास्ट चैप्टर है, ओके, समझना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, और आराम से स्कोर भी कर जाओगे अगर ठीक तरीके से कर लिया तो। प्रोटीलाइजिंग एंजाइम का काम क्या है, इट इज, पहली बात तो इसको बहुत कॉमनली कहा जाता है स्पर्म लाइसिन, ओके, जो कि पेनिट्रेट करता है एग को एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। एग को टच भी करने के पीछे, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि एग के अंदर मियोसिस टू कंप्लीट होना बाकी रहता है, ओके, नॉट ओनली मियोसिस टू, मियोसिस वन भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आप लोगों को पता होगा शायद से, ओके, क्योंकि बोर्ड में टॉपिक आगे बढ़ चुका है। तो यू मस्ट बी हैविंग दैट आइडिया कि मियोसिस वन में, प्रोफेज वन के डिप्लोटीन फेज में है ना, दैट सेकेंडरी ओसाइट कम्स एंड रिमेन्स ओवर देयर, अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद आगे का सिनेरियो होता है, तो हम सब देखेंगे वो सारी बातें। तो स्पर्म का ये हाइला यूरिनोडेस एंजाइम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ध्यान में रखना। नेक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत छोटा होता है, इसके अंदर दो ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना, अगर मानो ये नेक है तो ऐसे दो होते हैं, सेंट्रियोल्स, राइट, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स एंड द डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, अगर मानो जायगोट फॉर्मेशन हो गया, सपोज दिस इज अ जायगोट, तो जायगोट में सबसे पहला जो डिवीजन होगा वो अनइक्वल डिवीजन होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? देखो नीचे सर ने कुछ ड्राइंग बनाया है, कुछ समझ में आ रहा है, दिखा कि नहीं देखा नीचे, चलो जल्दी देखो। Yes, sir. दो सेल्स हैं, दो अनइक्वल सेल्स हैं, कैसे सेल्स हैं, अनइक्वल सेल्स हैं, और ये दो सेल बनने के लिए, बट ऑब्वियसली बात है, स्पिंडल फाइबर्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे, लगेंगे ना, यस सर। तो कौन देगा, कौन सा सेंट्रियोल बना के देगा, प्रॉक्सिमल या डिस्टल? प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल न्यूक्लियस के साथ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाता है, ये आपको पता है, ओके, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाता है, ये ध्यान में रखना, ओके, और उसी के वजह से ये जो पहला डिवीजन जायगोट में हुआ, द फर्स्ट डिवीजन, जिसको हम लोग कहते हैं क्लीवेज प्रोसेस, क्या कहते हैं, क्लीवेज, ध्यान में रखना। तो फर्स्ट क्लीवेज जो होता है, अनइक्वल डिवीजन, उसको कहते हैं, ओके, साइजेस विल बी डिफरेंट, एक बड़ा एक छोटा सा सेल बनेगा, फिर आगे जाके
वो और भी डिवाइड करेगा 1 2 3 4 सेल्स, फिर और भी जाके ऐसे डिवाइड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 से लेट का 16 16 का 32, ये वाली प्रोसीजर जो है वो चलने लगेगी। लेकिन पहले डिवीजन के लिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इट्स प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल ओवर देयर। ओके, स्पिंडल फाइबर बनाना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये मैंने बता दिया है, प्रॉक्सिमल सेंट्रल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस प्लेज अ रोल इन द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जायगोट, दिस इज अंडरस्टूड। डिस्टल सेंट्रल गिव राइज टू द एक्सियल फिलामेंट, पता है कि नहीं पता है? एक्सियल फिलामेंट, ओके, वी हैड ऑलरेडी नो दैट सेंटर से रन करता है एक फिलामेंट, सी दैट पार्ट, फटाफट इसको भी खत्म कर देते हैं। मिडिल पीस, पहले डायग्राम देख लो, यू विल अंडरस्टैंड। कैन यू सी देयर इज अ टेल, और टेल में यहाँ से अगर मैं येलो कलर से बता दू, दिस इज हाउ द एक्सियल फिलामेंट रनिंग, समझ में आ रहा है? ओके, और इतना ही नहीं, थोड़ा बहुत एक्सियल फिलामेंट है ना, नेकेड होता है, मतलब ऐसे दिखेगा। कैन यू सी दैट रेड कलर मार्किंग, उसके आजू बाजू में कोई साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं है, इट इज जस्ट अ फिलामेंट विच इज कमिंग आउट। ओके, सो दैट इज ऑल्सो देयर, देखने को मिलता है। ओके, बाकी सारी लेबलिंग में खत्म कर चुका हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो मिडिल पीस इन द ह्यूमन बींग्स, ओके, मतलब इन द ह्यूमन स्पर्म्स हैज अ माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड्स द एनर्जी, और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कैसा है, स्पाइरल शेप है। एक याद है, एक टर्मिनोलॉजी दी थी मैंने, निम्बेनकन, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दिस टर्म्स? ये खास करके स्पर्म्स के माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही यूज किया जाता है, इसका मतलब ही होता है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, भूलना नहीं। ओके, यहाँ पे स्लाइड पे वो टर्मिनोलॉजी नहीं आई है, सो डोंट वरी, मैंने आपको ऑलरेडी दे के रखी है, ये नीट का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। ओके, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया जब डिस्कस करोगे तभी, मतलब ऑलरेडी हो चुका है, जस्ट गो एंड वॉच द वीडियोस इफ यू आर नॉट गॉन थ्रू दैट, इट इज अ पावर हाउस ऑफ द स्पर्म्स। ओके, एक और सेंट्रियोल आपको देखने को मिलता है, देखो सर रेड कलर का डॉट बना रहे हैं स्पर्म के मिडिल पीस के ऊपर। ओके, देखो नीचे की तरफ, कैन यू सी दैट? इसका फंक्शन अभी तक पता नहीं है। ओके, इट इज कॉल्ड एज एन्यूलस। कमिंग टू द नोट, नोट क्या बोल रहा है, मैन चिट्टी के बारे में बात कर रहा है, रिमेम्बर दिस टर्म मैन चिट्टी? देखो कहाँ का देखने को मिल सकती है ये मेम्ब्रेन, पोस्टीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब नीचे के साइड में। ओके, एंड द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म्स कवर्ड बाय द शीथ कॉल्ड एज़ अ मैन चिट्टी, न्यूक्लियस, नेक एंड द मिडल पीस, इतने जगह पे। लाइक अगर मैं थोड़ा बहुत यहाँ से बनाऊ ऐसे, इसकी कवरिंग बना दू, सो इतना जो कवरिंग आप लोगों को दिख रहा है, कंसिडर दैट एज अ मैन चिट्टे, इट इज अ लाइक अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, फिलहाल वो वाले डायग्राम पे मत जाना, मैंने जस्ट लोकेशन बताया है कि ऐसे हो सकता है। ओके, टेल, द टेल सेवरल टाइम्स लॉन्गर देन द हेड, बड़ा होता है, बट ऑब्वियसली बात है पता चली गया होगा। ये कौन से डायरेक्शन में मूव करती है, कोई बता सकते हैं, इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। यस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, वेरी गुड। इन इट्स मोस्ट पार्ट मेन पीस द एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय द थिन लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पूरे स्पर्म में कहीं नहीं है, खाली टेल में है, वो भी बहुत कम। ओके, बहुत कम, लेस नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म, इसलिए मेजोरिटी जो साइटोप्लाज्म हमारे बॉडी में आ चुका है वो मदर के थ्रू आया है, क्योंकि ओवम में काफी कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, द पार्ट बिहाइंड द मेन पीस इज कॉल्ड एज द एंड पीस विच कंसिस्ट ऑफ द नेकेड फिलामेंट एलोन, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे रेड कलर में बता चुका हूँ। ओके, द स्पर्म स्विम्स अबाउट इट्स टेल इन अ फ्लूइड मीडियम, सो फ्लूइड मीडियम मिल जाता है और उसके थ्रू ये सर्वाइव करते हैं, मतलब आगे के डायरेक्शन में रन करने के बारे में सोचते हैं। सो यस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड, एनी डाउट ओवर हियर? नो सर। नो नो सर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे बनने वाले गैमेट्स के बारे में लेक्चर को एंड कर दिया है। ओके, आने वाले लेक्चर्स में वी विल बी डिस्कसिंग विद रिस्पेक्ट टू द फीमेल गैमेटोफाइट्स, ओके, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ लिखवाया था ड्यूरिंग द इन द स्कूल, व्हाट इज दैट पॉइंट, डू यू रिमेम्बर सम पॉइंट्स? ओवरी एंड फॉलिकल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, चलो जल्दी से बताओ क्या याद है, कि पहले महीने में लाइक अराउंड 1700, फिर पांचवे महीने में मैंने आप लोगों को कितना तो नंबर दिया था, व्हाट इज दैट नंबर? 70,000। ओके, और फिर वो ड्यूरिंग द डिलीवरी हाउ मच इट विल बी देयर? 2 मिलियन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आगे प्यूबर्टी अटेम्प्ट होने तक? 60,000 to 80,000। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कैसे डेवलप्ड होंगे, हॉर्मोन्स कैसे इनके ऊपर एक्ट करेंगे, वो भी एक क्लियर कट आइडिया दिया था। Primary follicle gets turned into secondary follicle by the hormone
कॉल्ड एज, कौन सा हार्मोन एक्ट करता है उनके ऊपर? FSH. FSH, follicle stimulating hormone. Okay, what is the difference between the secondary follicle and the tertiary follicle? Surrounding membrane. Membranes. Antrum cavity. याद रखो. क्या याद रखोगे? Antrum cavity आपको tertiary follicles में देखने में. What is the another name of the that tertiary follicle? Graafian follicle. Yes, mature Graafian follicle. इन सब के बारे में याद रखना. Okay, cumulus oophorica, theca externa, theca interna, antrum cavity, membrana granulosa. Okay, और एक basement membrane भी हम लोगों ने देखी थी. Okay, इसके अलावा अगर oocyte की बात करें, that oocyte actually a secondary oocyte. हम लोग इसके बारे में भी discuss कर चुके हैं. Okay, मेरे लिए बहुत आसान होने वाला है. जब next lecture आएगा तब presentation और easy हो जाएगा बताने के लिए. Okay, secondary oocyte has the number of layers, right? Zona pellucida and all ये सारी बातें present होती है. फिर वो विटेलाइन मेम्ब्रेन, प्री विटेलाइन स्पेस, उसके बाद जोना पेलुसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा. डू यू रिमेम्बर समथिंग? यस सर. हां, गो थ्रू करके रखना, रेडी रहना आने वाले लेक्चर्स जो रहेंगे. इट्स अभी हमारे लिए एक्चुअली प्लस पॉइंट हो गया, ये रिवीजन हो गया. जब से ऑफलाइन स्कूल चालू हो गया तो यहाँ से आप लोगों को क्विक रिवीजन मिल जाता है और आप लोग आराम से करते हो. तो एक काम करो, मैं आप लोगों को इसी के बेसिस पे एक होमवर्क देता हूँ. मॉड्यूल्स है ना सभी के पास? नो सर. नहीं है? नो सर, नहीं मिले. ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाएगी बहुत जल्द. आई थिंक बायो के बायो के जो मॉड्यूल्स है वो ऑलमोस्ट आधे रस्ते तक आ चुके हैं. दो दिन और रुको, आते हैं तब तक एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में या फिर मॉड्यूल्स के ये चैप्टर के क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ. ओके, सो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, राइट? रुकना क्यों है? Yes. कि नहीं, बनाना चालू कर दीजिए. रुकना क्यों है? फिर जो भी डाउट्स रहेंगे तो फिर आगे इजी हो जाएंगे डिस्कस करने के लिए. चलो बहुत बढ़िया, आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है. और जो बच्चों को, जिनको मैंने मैसेज ड्रॉप नहीं किया है कि आगे करना क्या है, वो मैं अभी कर देता हूँ, सो दैट यू कैन स्टार्ट गोइंग थ्रू दैट आल्सो. ठीक है, कैसे लगा वैसे एक्सपीरियंस? कैसे रहा? बढ़िया रहा? मजा आया कि नहीं आया? सर अभी थोड़ा बाकी है. नहीं मतलब अभी तक तो मजा आया कि नहीं आया? जिन्होंने किया उनकी बात कर रहा हूँ. ओके, सो गो थ्रू एंड कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट. चलो मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आके देखूंगा क्लास में कैसे चल रहा है. चलो बाय बाय, टेक केयर. Thank you, sir. Bye, sir. Yeah, thank you, all of you. Thank you. Okay. सारे बच्चे present हैं. Very nice.